Students, when you feel thirsty, you take water? Yes, we all take water when we feel thirsty. Students, water is very essential for us. We drink it, we take bath in it, and we cook our food with it. और सुबह उठने से लेकर न जाने कितने ही काम हम पानी से करते हैं. So today we shall read a chapter of NCERT class 3rd EVS, and the chapter title is Water or Water. Basically this is a poem, Water. Let's read it. I will wash my face with water, said Munna to his nani. इसमें मुन्ना बोलता है, मैं मुंह धोऊंगा पानी से. मुन्ना बोला नानी से. We all quench our thirst with water. अब quench means अपनी प्यास बुझाना. To satisfy your feeling of thirst. तो हम सभी पानी पी के ही अपनी प्यास बुझाते हैं. We are all alive because of water. और हम सभी पानी की वजह से ही जिंदा हैं. Water has been with us for ages. और पानी हमारे साथ न जाने कितने ही वर्षों से है. Its story can fill so many pages. अब जब से धरती बनी है तब से हमारे साथ पानी है, और पानी की कहानी को कई पन्नों में लिखा जा सकता है. क्योंकि ये हमारे साथ इतने दिनों से है तो इसकी कहानी भी लंबी होगी ना. तो इसकी कहानी लिखने के लिए बहुत सारे पेजेस की जरूरत होगी. समवेयर इट इज ड्यू. ड्यू मीन्स ओस की बूंदे. अब जब सुबह सुबह पत्तियों पे, घास पे ऐसे पानी की बूंदे होती है, उन्हें हम ड्यू यानी ओस की बूंदे कहते हैं. तो पानी कहीं कहीं पे ओस की बूंदों के रूप में है. समवेयर इट इज स्नो. और कहीं पे यह बर्फ के रूप में है. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. नाउ व्हाट इज स्टीम. अब जब गर्म पानी हो और उसके ऊपर जो धुआं धुआं सा दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टीम. एंड दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर हैज फॉर्म सो मैनी. अभी यहाँ हमने कितनी फॉर्म्स देखी वाटर की. वन इज ड्यू, दैट इज लिक्विड, LIQUID. दिस इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. एंड स्टीम, स्टीम इज अ गैस फॉर्म ऑफ वाटर. एंड स्नो, आइस, दिस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. स्नो इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. दैट इज व्हाट सेज माई नानी. ये सब मुझे नानी ने बताया. द रिवर फ्लोस, नदी बहती है. द वॉटरफॉल सिंग्स, झरने गाते हैं. जब झरना ऐसे पहाड़ों से ऊपर से गिरता है तब ये ऐसे लगता है जैसे सुहावना गीत गा रहा हो. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. और झीलों में पानी बहता है और स्प्रिंग्स में. नाउ व्हाट इज स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स यानी कि जो पानी जमीन से अपने आप बाहर आने लगता है, दैट इज स्प्रिंग. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉट. और धरती पर जीवन कौन लेके आया, ये भी पानी ही लेके आया. वॉटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट.
जब हम खेतों में फील्ड्स में पानी देते हैं जो हमारी फसल होती है खेतों में, तब उसमें एक नई खुशहाली सी आ जाती है, नया जीवन सा आ जाता है। बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। लेकिन जब फ्लड के रूप में पानी आता है, फ्लड यानी बाढ़, जब बाढ़ के रूप में पानी आ जाता है तो ये बड़ा ही दुखद लगता है। बहुत बारिश होती है, नदियाँ पानी से भर जाती हैं, सड़कों पे पानी आ जाता है, शहरों में आ जाता है, तो हर जगह पानी ही पानी हो जाता है, तो हद से ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं होता। सो दिस पोएम इज रिटन बाय श्री प्रसाद। नाउ लेट्स सी सम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। दिस इज अ वाटरफॉल, यू कैन सी वाटर फॉल्स हियर। ये क्या है? झरना है ये। ओके, वाटरफॉल। एंड दिस इज ओशियन। ओशियन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर। वी कैन नॉट यूज दिस वाटर डायरेक्टली क्योंकि इसका पानी खारा होता है। तो इस पानी से क्या बनता है? इस पानी से सॉल्ट बनता है, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं वो इसी से बनता है। एंड दिस इज स्ट्रीम। स्ट्रीम इज अ स्मॉल रिवर। बेसिकली ये छोटी नदी ही होती है। नदी से जो छोटी छोटी धाराएं निकलती है उन्हें हम स्ट्रीम्स बोलते हैं। एंड दिस इज स्प्रिंग। स्प्रिंग जब धरती का पानी, जमीन का पानी अपने आप फव्वारे के रूप में बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। जैसे हरियाणा के सोहना नामक प्लेस पे एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें से गर्म पानी निकलता है। अब ये गर्म पानी कैसे निकलता है? जब धरती के नीचे जो गर्म चट्टानें होती है और पानी उसके कॉन्टैक्ट में आता है और फिर बाहर निकलता है गर्म हो। दिस इज पॉन्ड। यह आपने अपने आसपास अपने गांव में देखा होगा। दिस इज सराउंडेड बाय लैंड। ओके, ये लेक के जैसा होता है लेकिन लेक से छोटा होता है। दिस इज लेक, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ये सभी हमने प्रकृति ने दिए हैं, कुदरत ने दिए हैं। दिस इज रिवर। रिवर में देखो पानी हमेशा बहता रहता है। यूजुअली इसमें फ्रेश वाटर ही होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं। सो दिस वीडियो कंप्लीटेड हियर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।